ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः मंगल ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 204 आतपाभात लोको वा आतपाभात लोको वा पटो वा वर्णपूरितः पटो वा वर्णपूरितः सस्यं वा फलितं यद्वत् सस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्टवपूर्विराट् तथा स्पष्टवपूर्विराट् आतप आभात लोकः ये संस्कृत भाषा की विशेषता है आतप तप माने सूर्य संपूर्ण आतप आभात लोकः सूर्य से प्रकाशित लोक अब कल हमने देखा समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी अहंधारी हम देखा अहं अहंमानधारी समष्टि सूक्ष्म शरीर में अहम भाव करके जो रहते हैं वो हिरण्य गर्भ है लेकिन जो हिरण्य गर्भ है वो जगत की अंकुर अवस्था है अस्पष्ट अवस्था है और
वो अंकुर से ही पौधा बनता है, पौधे में पत्ते आते हैं और वो पत्ते जो होते हैं पत्ते से हमें पता चलता है ये कौन से धान या कौन से सब्जी का पौधा है। फिर उसके ऊपर पुष्प आते हैं, फल आते हैं, आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं आतप आभात लोक, सूर्य आतप आसमंता तप तपति इति आतप, जो संपूर्ण विश्व को सूर्य प्रकाशित करते हैं, उष्णता प्रदान करते हैं, और इसलिए कहते हैं आतप आभात लोक। और वो सूर्य से जो प्रकाशित लोक है, पटोवा पूर्ण वर्ण पूरित है, वो चित्रपट जो है ना वो दृष्टांत को ही आगे ले जाते हैं। कल हमने देखा जो अंकुर अवस्था है वो लांछित है, जो रेखांकन किया हुआ है, लेकिन जो वस्तु है वो आकार देख रहा है लेकिन उनमें स्पष्टता नहीं है, रेखा है लेकिन उनमें उतनी स्पष्टता नहीं है। लेकिन अब जो ये स्थूल अवस्था, स्थूल समष्टि स्थूल अभिमानी, अब तो समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी जो है, तो वो समष्टि स्थूल क्या है? तो बोले कि सूर्य द्वारा जो प्रकाशित जो संपूर्ण विश्व है वो ब्रह्मांड जो है, सस्यम वा फलितम यत्वत वा अथवा, दूसरा दृष्टांत, दो दृष्टांत है, जिस प्रकार से पट में जितने भी आकार है वर्ण पूरित है, वर्ण माने रंग, तो एक एक जो वस्तु है, पर्वत है, वृक्ष है, हंस है, पानी है, जल है, अब तो सब में रंग पूर्ण कर दिया है। अब रंग पूर्ति के कारण वो स्पष्ट रूप से हमें दिखता है, ये वृक्ष है, ये घर है, ये हंस है, अब ये नाव है। तो रंग की पूर्ति के बाद में ये चित्र जो है वो स्पष्ट हो जाता है। अथवा सस्यम फलितम, सस्य धान जो होता है वो धान फलित माने कि उनके ऊपर जब फल और बीज जो लगते हैं, तो बीज लगने के बाद हमें पता चलता है, पत्ते लगने के बाद ही पता चल जाता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं जब सस्य धान जो हो, धान का जो पौधा है उनके ऊपर जब फल आते हैं, उनके पत्ते होते हैं, उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि ये कौन सा धान है या कौन सी सब्जी है, फल जात। तो उसी प्रकार से तद्वत यद्वत यद्वत जैसे चित्र में रंग पूरण के बाद वो एक एक वस्तु स्पष्ट हमें हो जाती है, उसी प्रकार से तद्वत स्पष्ट वपुहु विराट, ये जो विराट जो है स्थूल समष्टि स्थूल शरीर जो है वो विराट है और वो स्पष्ट है, एक एक वस्तु हमें स्पष्ट समझ में आती है, सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, जल है, पृथ्वी है, नक्षत्र है, राशि है, सब स्पष्ट है, आप समझ। तो सूक्ष्म अवस्था जो है, हिरण्य गर्भ जो है, वो अस्पष्ट अवस्था है, जिस प्रकार से अंकुर की अवस्था होती है, और जब वो पौधा बन जाता है, पौधे पर जब फल आते हैं वो स्पष्ट होता है, या तो फिर चित्र में जब रंग पूर्ण हो जाता है तो रंग पूर्ति से वो स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ये विराट भी स्पष्ट है। स्पष्ट वपुहु, वपु माने शरीर। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि ये जो समष्टि स्थूल शरीर जो है वो विराट है, समष्टि सूक्ष्म शरीर जो अभिमानी जो है वो सूत्रात्मा है, हिरण्य गर्भ है, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी जो है वो विराट है, और इसीलिए कहते हैं कि विराट जो है वो स्पष्ट है। आगे बोले कि आप ये विराट शब्द क्यों कहते हैं? तो विद्यारण्य कहते हैं मैं नहीं कह रहा, श्रुति माता ये कह रही है, और इसलिए श्रुति की बात करते हैं।
विश्वरूपाध्याय एषः विश्वरूपाध्याय एषः उक्तसूक्तेऽपि पौरुषे उक्तसूक्तेऽपि पौरुषे धात्रादिस्तम्भपर्यन्तान् धात्रादिस्तम्भपर्यन्तान् एतस्य अवयवान् विदुः एतस्य अवयवान् विदुः हमारी स्पष्टता के लिए कि ये जो विराट है वो क्या है। तो विद्यारण्य मुनि कहते हैं विश्वरूप अध्याये गीतायाम, भगवत गीता में विश्वरूप दर्शन जो भगवान ने करवाया वो भगवान का विराट स्वरूप है, और इसलिए कहते हैं विश्वरूप अध्याये एषः उक्तः। विश्वरूप 11वां जो अध्याय गीता में है वो विश्वरूप संदर्शन अध्याय जो है वहां भगवान ने स्पष्ट रूप से उक्तः दर्शाया है कि अर्जुन ये देखो ये मेरा विराट स्वरूप है, स्थूल शरीर जो समष्टि स्थूल शरीर ये मेरा विराट स्वरूप है। अथवा श्रुति में कहां कहा है तो कहते हैं पौरुषे सुक्ते पुरुष सुक्त, पुरुष सूक्त में भी संपूर्ण विश्व में ये दर्शाया। अब सब सूर्य जो है वो आप देखो सूर्य है अचक्षु है, चंद्रमा मन है, पृथ्वी पाद है, स्वर्ग भगवान का मस्तक है। अब देखो तो ये संपूर्ण पुरुष जो विराट पुरुष है वो विराट पुरुष का जो है सहस्र शीर्षा पुरुष है सहस्राक्ष सहस्र पाद, जितने भी ये ब्रह्मांड में जितने भी जितनी भी आंख है वो सब आंख ईश्वर के विराट की ही है, जितने भी पाद है वो सब उनके ही है सहस्र पाद। तो विराट का भी वर्णन पुरुष सूक्त में आता है, नारायण सूक्त में आता है, और गीता में विश्वरूप दर्शन में भगवान ने ये विराट का दर्शन करवाया अर्जुन, और इसलिए कहते हैं तो ये जो ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मांड का व्याप कितना है। देखो हम क्या करते हैं, हमें जो प्रत्यक्ष है हमें जितना दिखता है उसी को हम जगत मान के चलते हैं। सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं यहीं पर है, प्रत्यक्ष जो हमें दिख रहा है उसी को हम जगत मान के चल रहे हैं, लेकिन ये जो ब्रह्मांड जो विराट है वो क्या है धात्रादि। अब देखो धात्र तो धात्र माने धातृ धाता, धात्रादि धात्र माने कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी माने ब्रह्म लोक से आस्तंभ पर्यंत। हमारे सामने जो ये स्तंभ है दो अर्थ है स्तंभ के, स्तंभ माने कि खंभा माने कि ये जड़ पदार्थ, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से आरंभ करके ये स्तंभ पर्यंत खंभा पर्यंत, या तो स्तंभ माने की तृण घास जिसको कहते हैं, तो ये तृण तक जो भी कुछ है धात्रादि स्तंभ पर्यंतान एतस्य अवयवान विदुः। देखो ये सब संधि है, संधि अलग करनी पड़ती है, एतस्य पुरुषस्य एषस्य ईश्वरस्य, ये ईश्वर के जो सर्व अवयव है ब्रह्मा जी से आरंभ करके स्तंभ पर्यंत जो है अवयवान विदुः, जो विद्वान लोग है जो पंडित लोग है वो कहते हैं कि ये जो है वो परमात्मा ही विश्व रूप है, ये भगवान का ये पुरुष है। तो ये विराट है, ब्रह्म लोक से आरंभ करके पाताल लोक तक जो कुछ भी है वो परमात्मा का विराट स्वरूप है, और वो जो विराट स्वरूप जो परमात्मा का है वो स्पष्ट है हमें, और इसलिए कहते हैं कि अवयवान, ये भगवान के अवयव है। मैंने कहा ना कि सूर्य भगवान के, सूर्य जो भगवान के चक्षु है, चंद्रमन है आते, वायु भगवान के प्राण है, अग्नि भगवान का मुख है, तो ये अवयव जो एक एक अवयव भगवान के हैं वो हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, और इसलिए कहते हैं कि ये जो विराट है परमात्मा
हमें जो प्रत्यक्ष दिखता है इतना ही नहीं है, विराट परमात्मा हमारे ब्रह्मलोक से आरंभ करके उश्रुति माता पुरुषुक्त में ये सब वर्णन है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जो पंडित लोग जो है वो इस प्रकार से विराट परमात्मा को जानते हैं। एक और बात स्पष्ट करना है, समस्ति सूक्ष्म शरीर में जो अभिमानी है, अहंमान है, आप देखो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी प्रकार से समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है उन्हें हम विराट कहते हैं। एक ही आपका शरीर जो है, आपका जो ये स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर में रहकर ये स्थूल शरीर में आप अहम बुद्धि करके बैठे हैं, मैं देह हूं, तो उसको क्या कहेंगे, स्थूल शरीर अभिमानी विश्वमिति उच्यते। स्थूल शरीर विश्व नहीं है, स्थूल शरीर में आप जो अहम करके बैठे हैं, अहम बुद्धि करके बैठे हैं, तो आपका नाम पड़ गया विश्व। एक सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि, सूक्ष्म शरीर अभिमानी, तो सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है उनको तेजस, आप समझो, स्थूल शरीर विश्व नहीं है, स्थूल शरीर में अभिमान करके जो चैतन्य बैठे हैं वो चैतन्य को हम विश्व कहते हैं। उसी प्रकार से जो एक असंग चैतन्य है लेकिन उसने ये सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करके रखी है उसे हम तेजस कहते हैं। आप समझो, ये गलती मत करना, स्थूल शरीर विश्व नहीं है, स्थूल शरीर अभिमानी विश्व है, उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर तेजस नहीं है, सूक्ष्म शरीर अभिमानी है वो तेजस है। उसी प्रकार से विराट ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जो है विराट नहीं है, स्थूल समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी है उसे विराट कहते हैं। उसी प्रकार से समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है वो जो चैतन्य है उसे हम हिरण्य गर्भ कहते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से चित्र में रंग पूर्ति के बाद संपूर्ण जगत स्पष्ट दिखता है, या तो फिर जो धान होता है, धान का जब पौधा होता है, पौधे में जब फल होते हैं, वो फलित जब होता है तो हमें स्पष्ट हो जाता है ये गेहूं का पौधा है, ये चावल का है, वो स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो विश्व रूप जो परमात्मा है, वो विश्व रूप परमात्मा जो है वो हमें स्पष्ट है। आगे का श्लोक, ईश सूत्र विराडे ईश सूत्र विराट वेद, ईश सूत्र विराट वेद विष्णुरुद्रेन्द्र वह्नय विष्णुरुद्रेन्द्र वह्नय विघ्न भैरव मैलार्मारिकाय अक्षराक्षसाः, पूरा पढ़ना पड़े, विघ्न भैरव मैराला मारिकाय अक्षराक्षसाः। अब देखो ये ईश्वर का अवयव कहा ना, अवयान अवयवायन विदुहु, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी से आरंभ करके ये जितने भी हैं वो सब भगवान के अवयव हैं। तो ये भगवान के अवयव कौन कौन से हैं, आप समझो, तो बहुत सुंदर यहां दर्शाते हैं हमें, ईश्वर, आप देखो जो माया उपाधि उपहित है ईश्वर, सूत्र माने कि समष्टि कारण शरीर अभिमानी ईश्वर, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी सूत्र हिरण्यगर्भ, समष्टि स्थूल शरीर अभिमानी विराट वेद। ये ब्रह्मा जी का एक और शब्द है, ब्रह्मा जी को वेद विष्णु रुद्र इंद्र वह्नयः, वह्नि माने अग्नि,
समष्टि कारण शरीर ईश्वर, समष्टि सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा, समष्टि स्थूल शरीर विराट, ब्रह्मा जी, विष्णु, रुद्र, इंद्र, अग्नि, इतना ही नहीं विघ्न, विघ्न माने के गणपति, भैरव, मैराल, एक विशेष प्रकार के यक्ष जो है उसे मैराल कहते हैं, मारिका, मारिका मानी ये महामारी देवी जो है, यक्ष राक्षसाहा। तो भगवान के ये सब अवयव है, आप समझो, ये पुरुष सूक्त में पूर्ण वर्णन है, आप समझो। ब्राह्मण जो भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, अब देख भगवान का जो मस्तक है वो ब्राह्मण है, भगवान के जो हस्त है वो क्षत्रिय है, भगवान के जो उदर है वैश्य है, भगवान के पाद है वो शूद्र है। तो ये अवयव है, लेकिन उसमें ये नहीं है, आप समझना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मस्तक ब्राह्मण है और पाद शूद्र है तो शूद्र निम्न कोटि के हो गए, ऐसा नहीं है, ये ठीक से समझना है हमें। आगे के श्लोक में आते हैं, आगे के दो श्लोक भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आगे चलता है। विप्रक्षत्रिय विक्षुद्रः, विप्रक्षत्रिय विक्षुद्रः, गवाश्व मृग पक्षिणः, गवाश्व मृग पक्षिणः, अश्वत्थवट चूत्याद्याः, अश्वत्थवट चूताद्याः, यवव्रीहितृणादयः, यवव्रीहितृणादयः, जलपाषाण मृत्काष्ठ। पूरा पढ़ना पड़ेगा। जलपाषाण मृत्काष्ठ वास्य कुद्दालकादयः, जलपाषाण मृत्काष्ठ वास्य कुद्दालकादयः, ईश्वर सर्व एवैते, ईश्वर सर्व एवैते, पूजिता फलदायिनः, पूजिता फलदायिनः। अब देख, ये जो समस्त सूक्ष्म स्थूल शरीर जो है तो ब्रह्मा जी से आरंभ करके स्तंभ पर्यंत ये सब ईश्वर के ही अवयव है। तो ईश्वर के अवयव क्या क्या है, अब सब सर्वे ते, देखो अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे, सर्वे सर्वे ईश्वरा सर्वे एव एते, ये सब ईश्वर मात्र है। ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, रुद्र भी ईश्वर है, अब सब अग्नि भी ईश्वर है, इंद्र भी ईश्वर है, और विघ्न गणपति भी ईश्वर है, भैरव है, मैराल है, मारिका, यक्ष, राक्षसाह। उतना ही नहीं, विप्रक्षत्रिय विक्षुद्राः, विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय विट जो व्यापार करते हैं उसको विट कहते हैं, माने कि वैश्य, शूद्र, गवा गैया जो है, अश्व, मृग, पक्षिण, सर्व प्रकार के पक्षियां, अश्वत्थ, अश्वत्थ मानी पीपल का जो है, वट वृक्ष, वट को हिंदी में क्या कहते हैं, बरगद, बरगद का वृक्ष कहते हैं, चूताद्या, चूताद्या मानी कि चूत मानी ये आम्र वृक्ष जो है, आदि आदि मानी सर्व प्रकार के वृक्ष, यव वृहि तृणादय। अब सर्व प्रकार के जो धान है, यव है, यव मानी जव जो हम कहते हैं, वृहि, तो ये सब प्रकार के जो धान है, तृणादय, जल पाषाण मृत्काष्ठ, जल मानी पानी, पाषाण मानी पत्थर, मृत मानी की मिट्टी, काष्ट लकड़ी, वास्य, वास्य मानी बांस, बंसी जो कहते हैं ना, देखो बांस से ही ये बनती है भगवान की बंसी, वास्य, आकुद,
कुद, कुद मानी एक कोदाड़ी जो कहते हैं ना, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, कुद्दाल का दय है, ये सब जो है आदय मानी कि ये जो जड़ वस्तु भी है, जितने भी ये जल पाषाण मृत काष्ठ है, ये जो वनस्पति भी है और जो जड़ वस्तुएं जो है, सब वस्तु क्या ईश्वर एव एते सर्वे, ये सर्व जो है ईश्वर मात्र है। अब सब ईश्वर के अवयव भी है, ईश्वर भी है, और इसीलिए क्या है पूजिता फलदायिन, ये सब के जब हम पूजा करते हैं फलदायिन, हमें फल मिलता है पूजा का। अब समझो हम गणपति की पूजा करते हैं तो गणपति का सामर्थ्य है कि हमारे जीवन में जो विघ्न है वो विघ्न की विघ्न की निवृत्ति कर दे, तो विघ्न की निवृत्ति करने का फल हमें गणपति से मिलता है, फलदायिन है, ये सब फल देते हैं। आप समझो, देखो हमारे यहाँ पीपल वृक्ष का भी हम पूजा करते हैं, बरगद का जो ये वट वृक्ष है उनका भी हम पूजा करते हैं। आप समझो शिवलिंग की पूजा करते हैं वो पाषाण है, गंगा नदी की पूजा करते वो जल है। आप समझो ठीक से, भगवान की पार्थिव लिंग मृत से ही हम पार्थिव लिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, पृथ्वी माता की भूमि की भी पूजा करते हैं, और सब सब जो ये है ये जो ईश्वर, सब ईश्वर मात्र है और सब अपने अपने सामर्थ्य से हमें फल देते हैं, और इसलिए विद्यारण मुनि कहते हैं ये सब ईश्वर मात्र है और अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप, अपने अपनी शक्तियों के अनुरूप वो हमें फल भी देते हैं। इंद्र है जो ये बारिश जो होती है, वर्षा जो होती है, तो वर्षा का देवता ईश्वर है, इंद्र है। अब देखो चक्षु के देवता सूर्य नारायण है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये सब परमात्मा के ही अंश है और ये जो परमात्मा है वो अपने अपने सामर्थ्य से फलदायिन है, सब हमें फल देते हैं। अब समझो देखो इसीलिए देखो ये प्रसंग आया है तो एक बात समझ लो आप कि लोगों ने हिंदू धर्म के लिए इतनी इतनी गलत बात बना के रख दिया है। ये जो हम कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो आगे मैंने कहा कि ब्राह्मण को मस्तक कह दिया तो क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गया, और शूद्र को पाद कह दिया तो शूद्र निम्न कोटि का हो गया, नहीं। आप समझ जिस प्रकार से आपका ये शरीर है, आप समझो तो मस्तक जो है उनकी एक महत्ता है, उसी प्रकार से पाद की भी महत्ता है। आपके शरीर में कौन सा अंग श्रेष्ठ है आप ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। हृदय भी हमें आवश्यक है, मस्तक भी आवश्यक है, हाथ भी आवश्यक है, पैर भी आवश्यक है। आप समझो ये सब अवयव जो है एक दूसरे के पूरक है। आप समझो एक दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न कोटि के नहीं है, ऊंच नीच जो हम कहते हैं वो कुछ नहीं है, सबका अपना अपना एक स्थान है और सब आवश्यक है। हृदय जो है संपूर्ण शरीर को रक्त पहुंचाता है, और जो मस्तक है, मस्तक में जो दिमाग है ब्रेन जिसको कहते हैं, वो जो ज्ञान तंतु है, ज्ञान तंतु के द्वारा वो सब प्रकार के संदेशा हमें भेजते हैं। मेरा ये हाथ हिल रहा है, मैं बोल रही हूं, ये सब कैसे हो सकता है? अब समझो तो वाणी के लिए भी ये आवश्यक है और हमारे दिमाग को भी रक्त की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो हृदय पहुंचाता है, और हृदय जो लब डब जो होता है, अब वो जो करंट है जिसके कारण ये हो रहा है वो पहुंचाने वाला दिमाग है। अब और हृदय को भी शक्ति की आवश्यकता है, जो माउस जो है तो वो शक्ति कहां से, पाचन शक्ति जो हमारी है, उदर में जो हमारी पाचन क्रिया होती है वहां से संपूर्ण शरीर को शक्ति मिलती है। अब तो ये श्रेष्ठ है ऐसा हम नहीं कह सकते, शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि ब्राह्मण श्रेष्ठ और शूद्र जो है श्रेष्ठ नहीं है। अब
सबका अपना अपना स्थान है, सूर्य का अपना स्थान है, चंद्र का भी अपना स्थान है, तारा कहते हैं, नक्षत्र कहते, उनका भी एक स्थान है, कोई ऊंच नीच नहीं, आप समझो। परदेशी लोगों ने आके हमारे दिमाग में इतना डाल के रखा है और हम लोग भी वही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, आप समझो, मिथोलॉजी। अब महाभारत रामायण मिथोलॉजी नहीं है, आप समझो, मिथोलॉजी मिथ माने काल्पनिक नहीं, महाभारत रामायण हमारा इतिहास है, एपिक है, हमारी हिस्ट्री है, आप समझो। उसी प्रकार से ये कास्ट शब्द जो करके रखा है, वर्ण और आश्रम भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्यम वया सृष्टम गुण कर्म विभागश, तो ये वर्ण है उनका अनुवाद कास्ट नहीं है, आप समझो। वर्ण माने अपने अपने गुण और कर्म के हिसाब से हमने विभागीकरण जो किया है, सबका अपना अपना स्वभाव है, जो जिस प्रकार का उनका गुण है, गुण माने सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, अब देखो, तो सत्व गुण की प्रधानता जिसमें है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। देखो ये सब जगह पर एक ही बात रहती है, मैं एक ही दृष्टांत देती हूं, सूर्य पूर्व दिशा में उदित नहीं होता है, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे पूर्व कहते हैं, सब जगह पर उल्टा करके रखा है हमने। ब्राह्मण सात्विक नहीं होता, जो सत्व प्रदान है वो ब्राह्मण है, अब देखो, जो रजो प्रदान है लेकिन रजस के साथ उनको उनको जो पीछे जो है वो सत्व है तो वो क्षत्रिय है, जो रजोगुण प्रदान है लेकिन रजोगुण के पीछे तमोगुण है तो वो वैश्य है, और जो तमोगुण प्रदान है उसे हम शूद्र कहते हैं, तो गुण के आधार पर हम कह रहे हैं, गुण कर्म और कर्म भी है, आप देखो, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उसी प्रकार से उसे हम कर्म दे सकते हैं, जो कर्म है वो कर्म से हमारी श्रेष्ठता नहीं होती है, आप समझो, शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा है, ब्राह्मण अगर अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, अपने कर्म निष्ठा से कर रहा है, और शूद्र भी अपना कर्म निष्ठा से कर रहा है, दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब देखो एक दृष्टांत मंदिर का हम लेते हैं, आप समझो, सर्वे ते ईश्वरा करके कहते हैं कि ये सब ईश्वर ही है, आप समझो। अब देखो एक मंदिर का दृष्टांत, तो मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए ब्राह्मण है, देखो एक बार मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए बाद में वो मूर्ति नहीं है, ब्राह्मण लोग भी मूर्ति शब्द ही बोलते हैं, मूर्ति नहीं वह भगवान है, मूर्ति की पूजा आप नहीं कर रहे, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप समझो, तो ब्राह्मण जो है वो भगवान की पूजा करता है, क्षत्रिय है एडमिनिस्ट्रेशन, संपूर्ण मंदिर का जो संचालन है, रक्षा है, संचालन है, वो सब जो करने वाले हैं वो क्षत्रिय है, मंदिर में जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट का जो हिसाब किताब करना है, अकाउंटिंग जिसको कहते हैं, तो वो जो करते हैं वो वैश्य है, और मंदिर की सफाई करना है तो वो जो सफाई का काम जो कर रहा है वो शूद्र है। अब देखो एक मंदिर में चारों प्रकार के, अगर शूद्र नहीं है तो काम नहीं चलेगा, सफाई कौन करेगा, आप समझ, और ब्राह्मण नहीं है तो पूजा कौन करेगा, तो एक मंदिर के संचालन के लिए चारों की जरूरत है हमें, लेकिन शास्त्र में लिखा है अगर शूद्र जो है मंदिर में बिल्कुल निष्ठा से ये अपना काम कर रहा है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ब्राह्मण जो भगवान की पूजा कर रहा है वो उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, फलदायी न, आप समझो, ऐसा नहीं है कि भगवान की पूजा वो कर रहे हैं इसलिए उसको बड़ा फल मिलेगा, और ये तो शूद्र है, मानी झाड़ू चला रहा है तो उसको तो नहीं,
दोनों को स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। अगर वो निष्ठा से, प्रेम से, सेवा भाव से काम कर रहे हैं तो दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये कास्ट शब्द नहीं है, वर्ण है। आप देखो गुण कर्म विभाग, गुण के आधार पर ये कर्म निश्चित होते हैं। आप समझो, ब्राह्मण है, उनका काम है पढ़ना और पढ़ाना, शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्र अध्ययन करवाना, यज्ञ करना है, यज्ञ करवाना है, तो उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। आप समझो, उसी प्रकार से अन्य ये जो गलती सब करते हैं, हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो उनके भी सब लोग टीका करते हैं, वो समझते नहीं है। ईश्वर एव सर्वे ये, ये सर्व ईश्वर मात्र है, क्योंकि सर्व उपादान कारणत्व, सर्व उपादान रूपत्व, सर्व का उपादान कारण तो ईश्वर है, तो सर्व का उपादान कारण होने के कारण ये सब उपास ब्रह्म ईश्वर मात्र है। अब वो ईश्वर को आप वृक्ष के रूप में पूजन करो, या गणपति के रूप में पूजन करो, इंद्र के रूप में पूजन करो, ये ते सर्व फलदायिन, सब आपको फल देने वाले हैं। अब सब कोई कर्म आपका कभी भी निष्फल नहीं होता है, और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि ये सब की जो हम पूजा करते हैं तो उनका जो सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य के अनुरूप ही वो हमें देते हैं फल। अब देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश जब हम कहते हैं तो ब्रह्मा जी जो है वो सर्जन कार्य कर रहे हैं, और इसीलिए उनको हम रजोगुण प्रधान कहते हैं। शंकर भगवान रुद्र जो है वो संहार कार्य कर रहे हैं, तमोगुण प्रधान हम कहते हैं, और विष्णु भगवान है जो पालन करता है, सत्व गुण प्रधान के। तो क्या विष्णु बड़े हो गए और रुद्र छोटे हो गए? नहीं, राम भगवान जो है वो शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और शंकर भगवान जो है वो राम का ध्यान कर रहे हैं। हरि और हर में जो भेद करते हैं उसे नरक की प्राप्ति होती है। अब समझना ये ठीक से। उतना ही नहीं, हमारे शास्त्र में पंचायतन पूजा है, सबके घर में होता है। आप समझो, आप सबके घर में आप जो मंदिर है वो मंदिर में अगर आप देखेंगे तो ये पांच होते ही हैं। गायत्री माता होते हैं, सूर्य नारायण है, गणपति है, देवी है, लक्ष्मी नारायण है, और शिवलिंग है। तो पंचदेव की पूजा हम करते हैं, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं, लेकिन सब अपने अपने प्रकार से करते रहते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि ये जो पांच देवता जो है, पांच देवताओं में भी अगर कोई भेद करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। सबके अपने कुल देवता होते हैं, तो अपने कुल देवता अगर शिव है, देखो ये वर्ण की दृष्टि से देखो, तो ब्राह्मण जो है प्रायः शिव उपासक होते हैं, क्षत्रिय जो है वो शक्ति के उपासक होते हैं, वैश्य है वो विष्णु के उपासक होते हैं, और जो शूद्र है वो हनुमान जी के उपासक होते हैं। अब देखो, तो हनुमान और ये जो छोटे देवता जो हमने देखा ना, मैरल मार्ग, ये सब की पूजा करते हैं शूद्र, सबके अपने अपने देवता है, और सब देवता क्या है, फलदायी न है, ये सर्व जो है हमें फल देते हैं। अब सब कोई निष्फल नहीं है, और इसीलिए ये पांच देवता जो है, पांच देवता की हम पूजा करते हैं, लेकिन पंचायतन पूजा उसको जो कहते हैं, अगर ये शिव की, शिव का उपासक है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो गणपति की पूजा नहीं करेंगे। शिव का उपासक है तो उसको शिव पंचायतन कहते हैं, मध्य में शिव रहेंगे, मध्य में शंकर भगवान है। अब जब मध्य में शंकर भगवान होते हैं तो ईशान कोण जो होता है वहां विष्णु होते हैं,
अग्नि कोण में सूर्य नारायण होते हैं, नैऋत्य में गणपति होते हैं और वायव्य में देवी होते हैं। ये पंचायतन की अवस्था अब व्यवस्था है, आप समझ। उसी प्रकार से गणपति पंचायतन है, विष्णु पंचायतन है, शक्ति पंचायतन है, सूर्य पंचायतन है। लेकिन इनका अर्थ ये नहीं है कि शिव महत्व के हैं और गणपति का महत्व नहीं है। महत्व सबका है, आप समझो। लेकिन आपके कुल देवता कौन है, आपका स्वभाव क्या है, उनके अनुरूप ये होते हैं। लेकिन एक दूसरे से बड़े हैं ऐसा नहीं है। देखो आजकल ये बहुत कुछ चल रहा है, एक कहता नहीं नहीं यही भगवान है। किसने कहा आपको? भगवान श्री राम स्वयं रामेश्वर की पूजा करते आप देखो, और शिव जी जब ध्यान करते हैं तो वो राम राम करते रहते हैं, जप करते रहते हैं राम राम। और हम कौन है वो जो भेद करते हैं? पुराण में ये स्पष्ट रूप से है, आप समझो। लेकिन हम लोग ये भेद करते रहते हैं, नहीं हमारा कृष्ण ही सबसे बड़ा है। किसने कहा आपको? कृष्ण भगवान ने गीता में कहीं पर कहा नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, नहीं। कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो दर्शन करने के लिए आए बाबा, शिव बाबा आ गए वहां। अब जब दर्शन करने आए, अब देखो तो भागवत में ये कथा है, भगवान राम का जन्म हुआ तो वहां भी शंकर भगवान दर्शन करने गए। तो ये भेद नहीं करना है, आप समझो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में भी भेद नहीं करना है, कोई ऊंच नीच नहीं करना है। और इसलिए विद्यान मुनि कहते हैं ये सब जल पाषाण मृत, अब देखो काष्ठ, हमारे जगन्नाथ भगवान जो वो काष्ठ के है। पूरी में जगन्नाथ भगवान है वो काष्ठ के है, इतने बड़े हैं। अब समझो ठीक से, जब सर्व ईश्वर मात्र है तो किसी भी रूप में मैं ईश्वर की पूजा कर सकती हूं, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं है कि ये ही श्रेष्ठ है। आपको कृष्ण की पूजा करने आप करो, प्रेम से करो, लेकिन दूसरे की निंदा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको शिव की पूजा करने तो आप शिव की पूजा करो। देखो शंकराचार्य जी ने भी ये चार धाम की जो स्थापना की, बद्रीनारायण भी है, केदारनाथ भी है, यमुनोत्री भी है, गंगोत्री भी है। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये ते सर्वे ईश्वराहा, ये सब ईश्वर ही है, किसी को ऊंच नीच करने की आवश्यकता नहीं है। ये ते पूजिताहा, ये पूजनीय है हमारे लिए, सम्मान उनकी भी हमें पूजा करना है। गणेश उत्सव होता है तो हम गणपति की पूजा करते हैं, नवरात्रि होती है तो हम देवी की पूजा करते हैं, रामनवमी है तो हम राम जी की पूजा करते हैं, सब करना है हमें। एते सर्वे पूजिता, ये सब पूजनीय है हमारे लिए। और फलदायी न, इतना ही नहीं वो फल भी देते हैं हमें। नहीं नहीं माता जी, मैं तो कितना ये प्रार्थना करता हूं, कितनी कितना जप करता हूं, कुछ नहीं मिलता है। किसने कहा? ऐसा मत मानो। आप जो भी कर्म करते हैं आपका एक भी कर्म निष्फल नहीं होता, उसका फल मिलता है। देखो अभी एक बहुत सुंदर कथा आई, बहुत सुंदर है, मजा आई। तो एक व्यापारी थे, अब बेटे जो बड़े हो गए तो बेटे को सब ये व्यापार सिखा दिया और बोला कि अभी आप ये करो, मैं निवृत्त हो जाता हूं। वो निवृत्त हो गए। अब निवृत्त हो गए और एक दिन ऐसे ही नाव में बैठ के सागर में गए, समुद्र में। अब उसी वक्त एक तूफान आया, इतना बड़ा तूफान आया कि उनकी नाव जो है वो तूफान में बह गई।
और इतने बड़े बड़े ये तरंग थे, तो वो भी तरंग के साथ कहां कहां बह के गए। और अचानक एक दिन जब आंख खुली तो देखा कि कोई छोटा सा द्वीप था, वो द्वीप पर थे वो, और आप देखा चारों ओर पानी पानी है और कोई है नहीं, कोई मनुष्य भी नहीं है, कोई पशु पक्षी भी नहीं दिखते हैं, वो अकेले थे द्वीप पर। फिर थोड़ा कुछ कहां से कुछ फल फल कुछ लेके खा लिया। अब सोच में पड़ गई मैं क्या करूं, एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन जो भी जंगल में मिलता था कुछ खा लेते थे। ऐसे कितने दिन मैं निकल गए और वो कहां पर ये द्वीप था पता नहीं है उन्हें, और कोई नाव भी बड़ी सी नाव भी नहीं दिखती थी। ऐसे कितने दिन गए। अब बारिश की बात आई, वर्षा ऋतु आई, तो वो ऐसे ही रहते थे वृक्ष के नीचे सो जाते थे। अब सोचा कि अभी वर्षा ऋतु है, बादल आ गए हैं, तो छोटा सा एक झोपड़ी जैसा बना दिया, सूखे पत्ते ले लिए कुछ करके ऐसा बना दिया, और सोचा कि अच्छा ये जब बारिश हो जाएगी तो इसमें मैं बैठूंगा। तब बड़े से बादल आए और इतनी जोर से वर्षा हो शुरू हो गई और बिजली गिरने लगी। अब वो इतने बेचारे अकेले कभी रहे नहीं थे ऐसे अनजान जगह पर, तो बहुत निराश हो गए थे। थोड़े दिन प्रार्थना भी किया, लेकिन वो प्रार्थना करते रहे कुछ हुआ नहीं, तो उनके भगवान पर से भी विश्वास उठ गया। बोले कि ये भगवान तो देखता भी नहीं है कि इतनी प्रार्थना मैं करता हूं और कितना दान मैंने किया था, कितने पुण्य कर्म मैंने किए हैं, और यहां कहां लाके रख दिया मुझे, और ऐसे कैसे करके मैं थोड़ा सा ये झोपड़ी मैंने बनाई, और अभी तो वो अंदर गए भी नहीं थे, वर्षा आरंभ हो गया और बिजली गिरी, और बिजली इतनी जोर से गिरी तो वो जो झोपड़ी उन्होंने बनाई थी सूखे पत्ते और लकड़ी से, उसी पर वो पड़ गिरी और जलने लगी। तो वो बोले कि अरे भगवान क्या करते हो आप, ये मेरी झोपड़ी भी आपने जला दिया, मुझे यहां कहां द्वीप पर रख दिया। अब इतनी जोर से वो बिजली गिरी और पूरा आग लग गई, सूखी लकड़ी थी तो पूरी आग लग गई, और तो बेचारा ऐसे ही बैठ गया बारिश में। अचानक उसको किसी की आवाज आई, तो सामने देखा तो कोई नाव पर आ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई है कोई है। तो दौड़ गए और हाथ करके बताया, हाँ मैं यहां पर हूं, अब देख। तो वो जब नाव आई, उनको नाव में बिठाया, बोला कि भाई अच्छा किया तूने ये जला दिया, ये आग देखकर ही हम यहां आए, हमने देखा कि आग है मानी कोई वहां पर है अनजान। अब देख जब आग लगी तो हमें क्या लगा, क्यों जला दिया, और वो क्या कह रहा है, ये आपकी आग देख के ही हम यहां आए। अब देख आप समझो जीवन में कब क्या होता है और उनके पीछे क्या प्रयोजन है हमें पता नहीं है। जाही बीदी राखे राम ताही बीदी रखिए, आप समझो। तो वो वहां बैठे बैठा जोर जोर से भगवान को प्रार्थना करने लगा, अरे भगवान मैंने आपको कितना सुना दिया, आपने ये आग लगाई तो मुझे ये लोग लेने आ गए। तो ये बोलने लगे, बहुत कुछ बोलने लगे, क्योंकि वो जितनी भी हताशा थी ना, तो भगवान को बहुत कुछ बोल दिया था। अब भगवान की प्रशंसा करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। तो वो नाव वाले ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, हो गया ना ये, क्यों इतना भगवान को क्यों ये कर रहे हो आप, क्या हुआ क्या आपको। अरे आपको क्या मैं कहूं, ये जब आग लग गई ना तो मैंने भगवान को इतना सुना दिया, ना सुनाना भी सब कुछ मैंने भगवान को सुना दिया था, लेकिन ये भगवान ने आग लगाई मुझे बचाने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये भगवान मुझे परेशान कर रहे हैं।
अब समझो, देखो आगे भी हम देख के गए, भगवान की जो माया शक्ति अचिंत्य शक्ति है, वो अचिंत्य शक्ति कहां कैसे काम करती हमें नहीं पता। इसीलिए हम छोटे छोटे प्रसंग में क्रोध करते हैं, छोटे छोटे प्रसंग हम निराश हो जाते हैं। आप सब सर्वे ते ईश्वर फलदायिनः, फलदायिनः माने क्या है, सब फल देते हैं। अगर आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा है, इनका अर्थ नहीं है। कई बार ईश्वर हम जो मांगते हैं वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए योग्य नहीं है। जिस प्रकार से बच्चे लोग माँ को कहते रहते, माँ आइसक्रीम दे दो, माँ आइसक्रीम, बोले कि नहीं नहीं बेटा अभी नहीं देना है। अब देखो क्यों नहीं देती माँ, क्योंकि माँ को पता है कि इस वक्त आइसक्रीम उनके लिए अच्छा नहीं है। आप समझो ईश्वर परम पिता परमेश्वर है, अनंत कल्याण गुण संपन्न है, भगवान में अनंत शक्ति भी है और परमात्मा जो है परम कृपाणु भी है। कभी भी किसी को किस प्रकार से भी परमात्मा कभी भी किसी भी प्रकार से आपको नुकसान नहीं करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये नुकसान है तो ये नुकसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म जो हमारा हुआ है, मनुष्य जन्म का प्रयोजन एक ही है और वो है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। लेकिन अगर ये मोक्ष प्राप्ति जो इसको कहते हैं, या तो ये धर्म जो है, धर्म का पालन हमें करना है, हम धर्म का पालन करते नहीं है, धर्म अनुसार हम जीवन जीते नहीं है और फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनता नहीं है। आप देखो इसलिए गीता में भी भगवान कहते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्य हम, आप जिस प्रकार से मेरी पूजा करते हैं उसी प्रकार से मैं आपको फल देता हूं। आप समझ, आपके कर्म क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप सब गलत करते रहो और फिर हमारे जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए, देखो महाभारत में है, पुण्य न करोति कश्चित पुण्यस्य फलम इच्छन्ति सर्वे, कोई पुण्य करने को तैयार नहीं, दान करने को तैयार नहीं है, पूजा करने को तैयार नहीं है, तपश्चर्या करने को तैयार नहीं है। पुण्य कर्म के तीन है, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा, न तो हम यज्ञ करते हैं, न तपश्चर्या करते हैं, न दान करते हैं, और इच्छते क्या है, पुण्य से फलम इच्छन्ति सर्व, इच्छते इच्छा तो सर्व करते हैं, किसकी है? पुण्य की इच्छा करते हैं। पाप आदन निवर्तन्ते कश्चित, कोई पाप से अपने आप को दूर नहीं कर रहा है, पाप से फलम न इच्छन्ति, कोई पाप का फल इच्छता नहीं है, वो पाप फल की इच्छा नहीं है, लेकिन करते हैं तो पाप कर्म, पुण्य कर्म की इच्छा है, पुण्य कर्म के फल की इच्छा है, लेकिन पुण्य कर्म कितने करते हैं हम, आप देखो जीवन में यज्ञ कितने हम करते हैं, दान कितना करते हैं, तपश्चर्या कितनी करते हैं, आप समझो। और इसीलिए फलदायिनः आगे आएगा, कल हम देखेंगे विद्यान मुनि वही स्पष्टता कर देंगे कि पूजिताः फलदायिनः, ये सर्व ईश्वर है, सर्व पूजनीय है हमारे लिए और सब जो है हमें फल देते हैं। तो कैसे फल देते हैं, किस प्रकार के फल देते हैं, वो आगे स्वयं समझाते हैं, कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षो भरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः।
ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।